हेलो नमस्ते टू माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेल्कम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोर टेल्स। कई दिनों से प्लानिंग कर रहा था कोरेगढ़ फोर्ट ट्रैक का, और आज वह दिन आ ही गया, तो चलिए करते हैं इसे एक्सप्लोर। कोरेगढ़, या इसे कोरेगढ़ भी कहते हैं, लोनावाला से 20 किलोमीटर साउथ में है, और यहाँ पहुँचने के लिए लोनावाला ST बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। गाँव के बस स्टॉप के ठीक सामने पार्किंग है, गांव वाले पार्किंग के 100 रुपये पर कार लेते हैं। इस रूट पर ST की फ्रीक्वेंसी शायद कम है, इसलिए खुद की गाड़ी से आना सबसे कन्वीनियंट रहेगा। रोड से किले का शिखर दिखाई देता है। पार्किंग से थोड़ा आगे आने पर लेफ्ट में कच्चा रास्ता दिखेगा। यहां से ऊपर चढ़कर करीब 1 किलोमीटर जंगल से ट्रैक करके किले के स्टेयर्स तक पहुँचेंगे। और हाँ, इस ट्रैक का लेवल काफ़ी ईजी है, तो इसे कोई भी कर सकता है। इस 1 किलोमीटर में आप अपने आप को नेचर से काफ़ी नज़दीक पाएंगे। यहाँ से 2 रास्ते जाता है, आप अभी यहाँ देख रहे होंगे कोरेगढ़ किला कड़े, तो आपको इस रोड से ना जाते हुए आपको जाना है इधर। ये जो पतली सी गली है, आपको इधर जाना है। आप इधर जाएंगे तो कहीं और निकल जाएंगे, तो आपको इधर जाना है। यहाँ पर जंगल काफ़ी घना हो जाता है, और इसको क्रॉस करने के बाद आप पहुँचते हैं किले के स्टेयर्स पर। स्टेयर्स के पास चाय की टपरी है, और सामने है इन्फॉर्मेशन बोर्ड जिसपे की जानकारी दी हुई है। आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। शिवाजी महाराज की महाराज के जय घोष के बाद जान लेते हैं इस किले का महत्व और इतिहास, जिसे कि मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। किले के मुख्य द्वार तक यह कुल 600 सीढ़ियां है। थोड़ा ऊपर आने पर यहाँ बैठने की व्यवस्था है, एक छोटा सा गणेश मंदिर भी है। और पास में प्राचीन कालीन गुफा भी है। इस किले का इतिहास 13वीं शताब्दी से है, जब बहमनी सल्तनत हुआ करती थी। 1482 के दौरान उन्होंने शिवनेरी, चावड़, लोहगढ़ और तुंग किलों पर जीत हासिल की। इसके बाद 1490 में मलिक नायब के बेटे अहमद ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद से विद्रोह करके स्वतंत्र निजामशाही की स्थापना की, तब कोरेगढ़ निजामशाही में आया। सन 1636 तक, यानी 146 सालों तक यह किला निजामशाही में ही था। यहाँ पर हमें एक और गुफा दिखी, जिसके अंदर की पानी की टंकी भी बनी हुई थी। सन 1636 में दिल्ली के बादशाह शाहजहां और बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह ने निजामशाही पर कब्जा किया, और उन्होंने निजामशाही मुल्क बांट लिया, तब यह किला आदिलशाही में आया। सन 1657 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहगढ़, विसापुर, तुंग, तिकोना के साथ कोरेगढ़ पर जीत हासिल कर इसे स्वराज में शामिल किया। 1665 में मुगल सरदार मिर्जा राजे जयसिंह के साथ हुए पुरंदर संधि में 23 किले मुगलों को दिए गए, और जो 12 किले अभी भी स्वराज में थे, उनमें से कोरेगढ़ एक किला था। तो यह था इस किले का इतिहास और स्वराज में इसकी भूमिका। मुख्य द्वार से अंदर आने पर यहाँ पर हमें 2 गुफाएं दिखी। के द्वार की रचना इस तरह से की है कि ये नीचे से या दूर से नहीं दिखता। ये दोनों डैम्स एम्बे वैली डैम्स है, और जहाँ इन दोनों से छोड़ा हुआ पानी मिलता है, वहाँ तक मुर्शी डैम का बैकवाटर आता है। इससे लगे हुए पहाड़ी के पीछे तुंग किला है, और जिसके नीचे फेमस पौना लेक है। इन दो सुंदर झरनों के आसपास मोरगिरी फोर्ट है। बारिश का मौसम होने के कारण इस किले ने मानो हरी चादर ओढ़ ली हो, और उनके बीच अनगिनत फूल। मुझे लगा मैं जैसे कासपठर आ गया हूँ। यह सब एम्बे वैली के घर है, और यह आप देख रहे हैं एम्बे वैली की एयर स्ट्रिप। सामने कोराई माता का मंदिर है, और वहां जाने के लिए यहां से नीचे उतरना पड़ता है।
यहाँ से उतरते वक्त थोड़ा ध्यान दें क्योंकि जगह स्लिपरी है। और यह है चोर दरवाजा, जिसका कि रास्ता सीधे नीचे गांव में निकलता है। इस किले में खुद का एक वाटरफॉल भी है। कोरे माता मंदिर, इसी के नाम से इस गढ़ का नाम पड़ा है, बरोबर ना दादा? कोराईगढ़ यस मंदिर है ना, और अच्छा अच्छा दरवर्षी पायाखाली सोन आहे, 24 घंटे करून बांधून दिलं तरी एका झाडाशी एका दगडीची, एकाच दगडीच एका दगडीची 24 घंटे कोणी बांधलं ना, एवढं का बांधलं, एवढं पण नाही, एवढं सोनं भेटणार, ते करून देणार ना, ते हे दगड भेटेल का आपल्याला, कोण करीन का 24 घंटे एका दगडीशी, एका दगडीशी बरोबर आहे, नाही तिची आठते एका झाडाची आपण कशी पण आपण आणू शकतो, दगडीची काय सगळ्या फोडू शकत नाही आपण, बरोबर असं तिची आठते नवरात्रात मोठा उत्सव आहे, पाच बहिणी आहे, पाच कुठल्या कुठल्या बहिणी, म्हणजे कोराय बोराय मोरे समजाय, पाच बहिणी त्या तिकडच्या, त्या एक हिचं डाक मामाजीला गेलो मुंबईला, मुंबादेवी ही मोठी बहीण, ही मोठी बहीण, आता इथे अजून कुठले मंदिर, दोन मंदिर अजून आहेत ना इथे, चार मंदिर करायचे, चार मंदिर, तुमचं नाव काय? माझं नाव सुभाष लक्ष्मण दळवी, सुभाष लक्ष्मण दळवी। तो गाइस, अभी सुभाष जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो मंदिर है, ये अगर एक कोई 24 घंटे में एक पत्थर से और एक लकड़ी से अगर कोई बांध लेता है तो देवी के पाँव के नीचे बहुत सारा सोना है, तो वो सोना उस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन आज तक का इतिहास है 600-800 सालों से, ऐसा कोई कर नहीं पाया है। यह गणपति मंदिर है और इस गढ़ पे यह दूसरा मंदिर है। इन घने पौधों के बीच मुझे शिव पिंड दिखी, जो कि काफी प्राचीन प्रतीत होती है। यह महादेव का मंदिर है, जिसके बाहर दो नंदी के साथ चार तोपें भी रखी हुई है। इस किले में दो लेक भी है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। लेक का एक्सेस पानी किले की वॉल से नीचे गिरते हुए एक मनमोहक झरने का रूप ले लेता है। भुरुज की तरफ जाते हुए हमें तीन गुफाएं दिखी, पहली पानी से भरी हुई थी, दूसरी गहरी और सूखी थी, और तीसरी छोटी सी थी। बुरुज पर फड़कता हुआ भगवा झंडा स्वराज का प्रतीक है। यहाँ किले के बारे में और जानकारी दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए यह वीडियो शेयर कीजिए।
इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ट्रैवल डेस्टिनेशंस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।